गुरनाम जी, आपने एमजी ग्लोस्टर ही क्यों ली? दरअसल मैं पिछले काफी टाइम से सर्च कर रहा था कोई अच्छी गाड़ी के बारे में। इससे पहले सही पूछो तो मैंने एक दो गाड़ी बुक करवाई भी थी, बट मैंने जैसे टेस्ट ड्राइव भी ली, जैसे मैंने फॉर्च्यूनर की भी टेस्ट ड्राइव ली, फॉर्च्यूनर ऑलरेडी 2010 में एक बार मैंने ली भी थी और वो चलाई भी है 2-3 साल, और उसके बाद अब नए वर्जन में भी जो फॉर्च्यूनर आई उसकी भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली। फिर मेरे दिमाग में आई थी फोर्ड की एंडेवर, उसकी भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली, और फिर मैंने BMW की X5 उसकी भी मैंने टेस्ट ड्राइव लेके देखी, और मुझे ऊंची के टेस्ट में एक अच्छी गाड़ी की ज़रूरत भी थी। तो जब मैंने MG ग्लोस्टर की टेस्ट ड्राइव ली और इसके अंदर के जो फीचर्स मैंने देखे और इसके अंदर का जो स्पेस मैंने देखा और इसके जो पिकअप और जो चलने का जो इसका रुतबा मैंने देखा, मुझे लगा कि उन सबसे बेहतरीन गाड़ी MG ग्लोस्टर आई है, तो ये मैंने नए वर्जन की गाड़ियाँ ले लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके फीचर वाइज, इसके जो अंदर का स्पेसिस है, जो सीटिंग का जो इसका डिजाइन है वो, और इसका जो इंजन की, खासकर आवाज़ की जब मैं बात करूँ, अंदर बैठने के बाद पता नहीं लगता कि गाड़ी ये पेट्रोल की है या डीजल की है, स्टार्ट है या नहीं है, हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और बहुत सी गाड़ियाँ मैंने पहले चलाई हैं, मैंने अपना सफ़र मारुति से शुरू किया है, फोर्ड की भी गाड़ी रखी है मैंने, स्कोडा लोरा भी रखी है, फॉर्च्यूनर भी रखी, नोवा भी रखी मैंने, सियाज भी मारुति की रखी, और इसके साथ और कई गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने और अपनी रखी भी हैं 2-2 साल, लेकिन इससे बेहतरीन गाड़ी मुझे आज तक कोई नज़र नहीं आई, और इससे बेस्ट वर्जन की गाड़ी, उससे स्पेसिफिक गाड़ी मुझे नज़र नहीं आई। और इसको चलाने में मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक जैसे हवाई जहाज में बैठ के नहीं, एक फीलिंग लेते हैं, वाओ फीलिंग आई, ड्राइंग रूम में बैठा और बड़ी फीलिंग आ रही है।